वार्ता में हजारे हमारे शहर के सभी सामान्य मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। कल जो घटना हुई उसमें आप भी प्रत्यक्ष दर्शी रहे हैं। शहर में एक जांगलवा परिवार या जयसंसरिया परिवार द्वारा एक कथा का आयोजन करवाया गया और जैसा कि हर धार्मिक आयोजनों में आमंत्रित हर व्यक्ति को किया जाता है उसी प्रकार हमें भी उस कथा में आने के लिए आमंत्रित किया गया और आमंत्रण के ऊपर मैं और मेरे नेता हमारे राज्य मंत्री अनिल जी शर्मा के साथ और मेरे कार्य साथियों के साथ हम कल कथा में पहुँचे और एक श्रोता के तरीके से हमने जाके कथा में उनका प्रवचन सुना। कोई भी ऐसा वातावरण वहाँ नहीं था लेकिन जो भी कथा का समापन हुआ हमने देखा मंच से हमें हमारा नाम पुकारा गया सम्मान करने के लिए और हमारे अनिल जी के साथ हम मंच पे गए। लेकिन मेरे मंच पे चढ़ने से पहले संत महाराज जिनका नाम शायद आनंद जी महाराज हैं उन्होंने सीधा ही एक डायलॉग किया कि नगर पालिका के चेयरमैन साहब आए हैं क्या। मैंने सोचा हो सकता है वो कोई अपना उद्बोधन देंगे लेकिन जो ही हम मंच पे पहुँचे और उनकी भाषा प्रवचन से बदल के जिस प्रकार की हुई उस भाषा का हर सदस्य का नागरिक मेरे हिसाब से कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। हम ऊपर जाते ही उन्होंने जिस प्रकार की बौछार की मुझे उससे ऐसा लगता है शायद ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम था। एक कथावाचक जो धर्म का संदेश देता है जो अहिंसा का संदेश देता है और आमजन को सन्मार्ग में चलने का संदेश देता है और सनातन धर्म में हमारे एक व्यासपीठ की गद्दी जिसको बोलते हैं और व्यासपीठ में जो विराजमान होते होता है वो कथावाचक करता है उसको सनातन धर्म में हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं। और ये मेरा ही नहीं सरदार साहब के हर जनप्रतिनिधि कई और हमारी पूरी जनता सरदार शहर और चूरू जिले की जनता का मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरे से जब शहर की बात उन्होंने रखी और घंटों की बात रखी वहाँ तक ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है वो प्रभात फेरी में जिन वार्डों में गए उनमें एलएनटी का काम चल रहा है उनमें गए होंगे कोई दिक्कत नहीं। उनकी आलोचना करना था उनका फर्ज नहीं था फिर भी उन्होंने किया हमने सुना। लेकिन एक जनप्रतिनिधि में चेयरमैन से लेके और उन्होंने विधायक महोदय और एमपी महोदय तक को भी नहीं बख्शा और जो अनर्गल बातें उन्होंने कही हमने बड़े धैर्य के साथ और संयम के साथ और सबसे बड़ा मैं मेरे कार्यकर्ताओं का मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शहर के लोगों का धन्यवाद करूँगा जिन्होंने इतना संयम का अपना परिचय दिया। आखिर जब अंत हो गया तब मैंने थोड़ा सा मेरा खंडन भी किया। हमने हमारे सरदार सर में एक परंपरा आती थी देव भाव यहाँ जो भी आता है चाहे वो सनातन धर्म के हो चाहे वह मुस्लिम समाज के हो चाहे ओसवाल समाज के हो ओसवाल समाज के लिए भी आचार्य गुरुदेव यहाँ आए हुए हैं और उनका भी यहाँ प्रवास चल रहा है। एक भी दिन वहाँ बड़े बड़े 20-30 ज़्यादा आदमियों के आयोजन में लेकिन आचार्य गुरुदेव ने कभी भी शहर की ऐसी बातों के बारे में चर्चा आज तक नहीं की। उल्टा जो नगर पालिका में हमने किया उनकी सेवा में किया उनकी सराहना की और मैं ये बताना चाहूँगा उन आयोजकों महोदयों से जिनको जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया है कि जब जब भी उन्होंने हमारी नगर पालिका को सफाई का कहा हमने सफाई कराई गर्मी में पानी के छिड़काव का कहा हमने प्रतिदिन वहाँ पानी का छिड़काव कराया जितनी हमारी सेवा बन सकती थी शहर की जनता के लिए हमने की। लेकिन इस प्रकार आमंत्रण करके घर बुलाना और वो भी हम कथा सुन के जब मैं और मेरे राज्य मंत्री महोदय वापस रवाना हो रहे थे पीछे से मैं माइक से आवाज दे के मंच पे बुलाना और वो भी सम्मान के लिए हम सपने में भी नहीं सोचते कि इस प्रकार का सम्मान जनप्रतिनिधि का वहाँ किया जाएगा। जो भी हुआ ये अच्छा नहीं हुआ और शहर में जो आक्रोश बढ़ गया कार्यकर्ताओं में वो भी एक स्वाभाविक है।
जहां तक कमियां गिनाने में आलोचना करने में चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें हमारी कमियां बताएं हम उसको स्वीकार करते हैं। नगर पालिका में हमारे साथ ही पार्षद आरोप प्रत्यारोप हम करते रहते हैं और जो आलोचना करता है उसको हम ये समझते हैं कि हमें ज्ञान दे रहा है, लेकिन उन्होंने ज्ञान नहीं देखे और जो धमकी बना हमें जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग मेरे प्रति, मेरे विधायक जी के प्रति, हमारे MPC साहब के प्रति जो किया, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और एक संत जो लोगों को संदेश देने के लिए, धर्म का संदेश देने के लिए आते हैं, और अगर इस प्रकार का ब्याज पीठ पे बैठ के जो भगवान की गति होती है उस पर बैठ के इस प्रकार का वाचन करना, ये मैं पूरे सरदार सर मेरे पास सदगण हम सभी उसकी घोर निंदा करते हैं। और आज इसीलिए हमने प्रेस का आयोजन किया, उन्होंने जिन चीज़ों का या तो उन्होंने पूरे शहर के सौंदर्यकरण को देखा नहीं, आप लोगों ने देखा है पिछले 12 महीने से हम जिस प्रकार शहर में सौंदर्यकरण का कार्य, सड़कें चौड़ी करने का कार्य कर रहे हैं, हो सकता है जिन वार्डों में LNT की सड़कें हैं हम भी परेशान हैं। 3 बार हमने LNT के अधिकारियों के साथ मीटिंगें भी की है, रोज हमारे पास महोदय भी लड़ाई करते हैं, हम भी लड़ाई कर रहे हैं, अलग डिपार्टमेंट है, अलग उनका काम है, तो हो सकता है महाराज उसमें गए होंगे और उनको अच्छा नहीं लगा। दूसरा महाराज DDA साहब, एक बात और भी बताऊँ, कल सुबह 7 बजे करीब महाराज मेरे वार्ड में मेरे घर के आगे से मुझे पता चला, तो मैं उनका स्वागत के लिए दिल्ली में आया और वो सीधा मुझे देख के मेरे पे आरोप प्रत्यारोप करने लगे। चूँकि वो मेरे घर के आगे थे अतिथि देव भाव, मैंने उनका मान सम्मान किया और उनको यही कहा कि मुझे जो आप बता रहे हो उनका नियम हम दूर करेंगे। जब सुबह ये बात हो चुकी उसके बाद में जब हम कथा में गए और वहाँ इस प्रकार मंच पे बुला के जो उन्होंने बातें कही, जो हमारा अपमान किया, मैं समझता हूँ वो मेरा नहीं, मेरे हर पार्षद का, मेरे सरदार सर की जनता का, चूरू जिले की जनता, क्योंकि उन्होंने MP साहब तक को भी नहीं छोड़ा, तो इसके पूरे चूरू जिले की जनता का अपमान है और ऐसे घोर उसकी हम निंदा करते हैं। और आयोजकों को भी हमें बताना चाहते हैं कि किसी भी संत को आप लाओ, कृपया उसकी एक कम से कम समीक्षा करो कि वो कथावाचक हो, धर्म का संदेश देने वाला हो, राजनेता या राजनीति की बात करने वाला नहीं, इस प्रकार का आयोजन भविष्य में इस प्रकार का नहीं हो, मैं उनके आयोजकों से भी अपील करूँगा। और जहाँ तक है कुछ हद तक मैं आयोजकों को इसका दोषी मानता हूँ कि जो इस प्रकार मंच पे बुला के जब महाराज कर रहे थे तो उनको बीच में आके उनको रोकना चाहिए था। अगर हमारे कार्यकर्ता वहाँ संयम खोते थे तो निश्चित हो गया हमारे मंत्री जी ने मेरा बहुत संयमित हमें रखा, अगर वहाँ कोई संयम खो देता तो शहर में बहुत बड़ी घटना हो जाती। इसके लिए हम बेहद मैं दुखी हूँ, लेकिन आमंत्रण जब आता है तो एक जनप्रतिनिधि को वहाँ जाना भी पड़ता है और उसी आमंत्रण पे हम लोग गए और जो वाह वो आपके सामने, मैं प्रेस के सामने यही कहना चाहता हूँ कि हमने पिछले 15 महीनों में जब से हमारी नगर पालिका का गठन हुआ निश्चित रूप से हम काम कर रहे हैं, काम किया है, काम करेंगे का नारा हमने दिया है। और पूरी पुस्तक हमने 12 महीने पहले निकाली थी, साल एक काम हमें, और इसमें मैं आपको एक एक पुस्तक आप भी ले सकते हैं। पूरे शहर की सड़कों का हमने काम किया है, लेकिन परिस्थिति ये बन जाती है कि जब एक सड़क, दो सड़क, पांच सड़क बनाने में हमें 1 महीना 2 महीना लगता है और LNT वाले जो ये पाइपलाइन डालने का काम कर रहे हैं इनको तोड़ने में एक रात में 3 सड़क तोड़ दिया, हमें 3 दिन में 1 सड़क बनानी पड़ती। फिर भी ऐसा कोई दिन नहीं, आज भी हमारे नगर पालिका में 15-20 सड़कों के टेंडर्स हमने निकाल रखे हैं, जो जो सड़कें टूट रही है LNT से जितना हो रहा है हम LNT से करवा रहे हैं, LNT दान नहीं कर पा रही है वहाँ हम हमारे नगर पालिका के बजट से कर रहे हैं। इस प्रकार राजनीतिक बातें करना एक धर्म के मंच पर और कथा के मंच पर शोभा नहीं देता। और कुल मिला के कथावाचक जो होता है, कथावाचक सरदार सर में बहुत बड़ी बड़ी कथाएँ हुई हैं, बहुत बड़े बड़े अस्तमाज हुए हैं माइनॉरिटी में, बहुत बड़े बड़े अपने आचार्य महादेव का चल रहा है, गुरुदेव का, ऐसी कभी बात में हमारे सामने नहीं आई कि पर्टिकुलर राजनेताओं को टारगेट बना के और कितनी अमर्यादित भाषा का बोलना कि इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए। मैं कल से मेरी जान को खुद के भी मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ कि महाराज ने संदेश दिया है कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने मेरा दुख मीडिया के सामने ये प्रकट किया। और जब तक जिंदा रहेंगे, इंसान में एक बात बता दूँ, जिंदगी में एक बार मरता है और एक बार जिंदा होता है, जन्मता है, मारने वाला भगवान है
लेकिन संत के मुंह से ये बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरे हृदय को चोट पहुंची है, जिसके लिए मैं उसकी निंदा करता हूं। आप लोगों को मैंने मेरे टुकड़ा सुना, मीडिया चौथा स्तंभ होता है और आप में से काफ़ी मीडिया के लोग उपस्थित थे, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। और आयोजकों से भी मैं निवेदन करूँगा कि जब जब भी ऐसे आयोजन, धार्मिक आयोजन हो, तो कृपया राजनीति करने से अपने कथावाचकों को काबू में रखें। बाकी आप लोग पधारे, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इस मामले में सांसद से भी बात की सर, मैंने आज सुबह राहुल जी कछवा को भी फोन किया, हमारे एमपी साहब को भी। इसमें देखिए, इसमें कोई पार्टी या मजी नहीं है, जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पार्षद कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो एमएलए कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे एमपी साहब हमारे सम्माननीय हैं, जिले के मालिक हैं, और तीसरी बार या दूसरी बार वो एमपी हैं। एक मैंने खुद संपर्क किया पार्टी वाली से उसके लिए कि मुझे पता चला कि वो अमेरिका में है, आज है नहीं। और पार्षद जनप्रतिनिधि, पार्षदों से चेयरमैन निकलता है, वो जनप्रतिनिधि, एमपी भी, जितना भी हम सबको जनता है, और जनता अपनी रक्षा के लिए हमें कर्तव्य पूरा करने के लिए हमें भेजती है। तो इस प्रकार करना, मैं तो ये समझता हूँ कि पूरे छोटे जिले की जनता का ये मान सम्मान को छोड़ करने वाला होता है। अभी हमने कसी कोई तारीफ नहीं दी, लेकिन मेरे साथी पार्षद ने दुखी होकर, व्यथित होकर, जिसकी आत्मा ने उनको कचोटा, वो थाने में जरूर तारीफ लेके आए हैं, लेकिन अब वो तारीफ दी है, क्या पुलिस कार्रवाई करती है उसके लिए। ऐसी हमारी कोई भावना नहीं है, न हमें कोई धार्मिक भावना भड़कानी, न हमें कुछ करना। हम तो ये चाहते हैं कि शहर में अमन शांति कायम रहे, न हमें कोई वाद विवाद बढ़ाना। मैं तो ये सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम कहाँ गलत थे, उसको भी हमने रात भर मनन किया है, और महाराज जी कहाँ तक मनन थे। होना तो ये चाहिए था कि आयोजकों और जनप्रतिनिधियों से मिलकर रात को ही, अगर गलती महाराज जी की थी तो महाराज जी को स्वयं को अपनी गलती रिलाइज करनी चाहिए थी। आज सुबह उनका 5:30 बजे कथा का प्रोग्राम थाल में था, उन्होंने खुद घोषणा की थी, मैंने वहाँ सुना भी था। मेरी जानकारी में आया कि महाराज जी को रात को यहाँ से रवाना कर दिया गया, और टेंट वगैरह जो लगे थे थाल में, वो भी आयोजकों ने रात को हटा दिए। इसका मतलब हम कहीं गलत नहीं, तो मैंने कह सकता, लेकिन मैंने एक शब्द लगाया, शायद ये प्रायोजित कुछ था। मैं, हम महाराज को जानते हैं, मैं महाराज मुझे जानते हैं, मैं मेरे नेता अनिल जी को जानते हैं, और जो ही मंच पे पहुँचते हैं, और सीटी चढ़ने से पहले महाराज ने अपना प्रवचन बंद कर दिया और भाषण शुरू कर दिया, उसको मैं भाषण का ही नाम दूंगा। तो आप अगर मेरी जगह कोई भी होता तो उसको यही संदेह होगा कि निश्चित रूप से ये कोई शायद प्रायोजित करेगा। वाद मैंने तहरीर खाने में दी है, आगे कार्रवाई पुलिस करेगी, और जो भी हम चाहते हैं आगे कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार के नर्गला प्रलाप कोई न करे। नहीं नहीं, ऐसा आयोजकों ने हमारे साथ अभी तक कोई संपर्क नहीं किया, फोन टेलीफोन जरूर आए थे हमारे राज्य मंत्री जी के पास, अभी तक तो ये भी पूरा पता नहीं कि आयोजक हैं कौन। जागरवा परिवार भी वहाँ था, जयसन सरिया परिवार भी वहाँ था, और दर्शन सरिया परिवार ने मुझे और मेरे मंत्री जी को स्टेज पे बुलाया भी था। हालांकि जब महाराज अंदर कल बातें कर रहे थे, तो दर्शन सरिया परिवार के पीपू जी ने एक दो बार उनको टोका भी था, और उनको भी हमारी जगह वही सुनना पड़ा, बोला वकालत करने की आपको जरूरत नहीं। इसका मतलब उनका तय शुदा भाषण था जो उनको देना था। हम तो ये मान के चलते हैं प्रायोजित, शायद प्रायोजित कार्यक्रम था। कैसे इस प्रकार की घटना हुई, वहाँ उपस्थित जो भी 100-200 श्रद्धालु थे, श्रावक थे, सब ने उनकी निंदा भी की, उस बात को गलत भी बताया। तो आयोजकों को ये चाहिए था कि वो तुरंत प्रभाव से इस मामले से मिलके और इसको निपटाना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब हमारा सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई शहर का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ मीडिया को अवगत कराना चाहते हैं कि हम बुलाव पे गए थे, निमंत्रण पे जनप्रतिनिधि को जाना पड़ता है, और जाने के बाद में घर बुला के इस प्रकार का व्यवहार जो जनप्रतिनिधियों के साथ किया गया, और पार्षद से लेकर एमपी तक के बारे में जो अंदर का अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, वो शब्द के नई भाषा नहीं थी, ये बताना चाहिए। तो स्वीकार करता हूँ कि एलएनटी कंपनी के कारण हमारे नगर पालिका को कल शर्मिंदा होना पड़ा, इसमें कोई शक नहीं है कि जहाँ भी उन्होंने खोल के छोड़ा, आज तक उन्होंने काम पूरा नहीं किया। इसके लिए 4 बार हमने मीटिंग भी कर ली,
हमने डीएमपी डायरेक्टर को भी चिट्ठी लिखी है, मैं आपको भेज कर सकता हूँ। एलएनपी के अधिकारियों को बार बार कह चुके हैं और अब नहीं होगा तो लास्ट में एलएनपी का काम भी बंद करना पड़ेगा। जो हम हमारे पास सदों की मीटिंग बुला के आगे खोदने पर उनके रोक लगाएंगे, जब तक नहीं सड़कें वो पूरी नहीं बना देंगे तब तक उनको खोदने नहीं देंगे। कल की बात से इस बात के लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ, गलती किसी की सजा किसी को मिली, जबकि हम 12 महीने 14 महीने से काम कर रहे हैं। ये